तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग की जो कैलेंडर ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर के नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। कमाल के वहां नए फीचर को ऐड ऑन किया गया है, क्या नया अपडेट है और क्या नए फीचर ऐड ऑन किए गए आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे और यहाँ जाना है अपडेट्स वाले ऑप्शन पे। जैसे आप अपडेट्स वाले ऑप्शन पे देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा सैमसंग कैलेंडर में। यहाँ पर नया अपडेट यहाँ पर आया हुआ आप देखेंगे, ये नया अपडेट आपको मिल जाएगा और यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये नए फीचर को एड ऑन किया गया है दोस्तों। ये नए फीचर क्या है और कैसे यूज करेंगे, तो पहले इसको अपडेट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको यूज करने बताऊंगा। तो मैं इसको फर्स्टली कर लेता हूँ अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपन इसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली ये हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चार नए फीचर को यहाँ पर एड ऑन किया गया है। सबसे पहला यहाँ पर फीचर दिया गया है पॉसिबल टू चेक ग्रुप कैलेंडर इनविटेशन ऑन द कैलेंडर मैनेजमेंट स्क्रीन। अगर आपके पास, अगर आपने ग्रुप में शेयर कर रखा है या फिर ग्रुप कनेक्ट करके रखा है अपने कैलेंडर से, तो वहां आपको अगर कोई इन्विटेशन देगा तो आपको वहां पर दिख जाएगा। तो ये वाला फीचर तो मैं यूज नहीं करने वाला है क्योंकि मेरे पास कोई ग्रुप क्रिएट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड फीचर दिया गया है प्रोवाइड द ऑप्शन टू रिमूव रिकॉग्निशन टाइम इन क्विक ऐड। तो ये फीचर बहुत कमाल का है, तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर कैलेंडर पे। कैलेंडर पे ले जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ क्विक पैनल पे, मैंने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर मैंने लिखा मैंने यहाँ पर लिखा 10 AM। तो आप देखेंगे वो अलग से हाईलाइट हो गया, आपको दिख रहा होगा अलग से हाईलाइट हो गया, मतलब कि उसने टाइम को कैप्चर कर लिया है। अगर आप नहीं चाहते कि वो टाइम को कैप्चर करे ऑटोमेटिक, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब वो नॉर्मल फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि वो सिंपल टेक्स्ट में आ गया है। अब वहां पर कोई टाइम को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। रिकॉग्नाइज मतलब कैसे, कि मान लो आपने यहाँ पर, मैंने इसको हटा दिया, वापस आया, मैंने यहाँ पर यूँ क्लिक करा और मैंने यहाँ पर 10:00 AM को लिखा। एम लिखने के बाद मैंने यहाँ पर राइट पर क्लिक करा, तो ऑटोमेटिक 10 बजे का उसने रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, मतलब कि रिमाइंडर लगा दिया। तो अगर आपको टाइम को नहीं कैप्चर करना, मैंने यहाँ पर 10 बजे और मैंने यहाँ पर AM भी लिखा, बट मैंने आप इसको ऐसा हटा दिया, तो अब वो सेव तो होगा पर वहाँ पर टाइम नहीं हुआ। आप देखेंगे टाइम को कैप्चर नहीं करा, कोई टाइम वहां पर नहीं लगा हुआ, शेड्यूल कुछ नहीं लगा हुआ, तो वो वहां पर टाइम को कैप्चर नहीं करेगा। तो सबसे पहला जो चेंजेस था वो यही था, यही लिखा हुआ यहाँ पर प्रोवाइड द ऑप्शन टू रिमूव रिकॉग्निशन टाइम इन क्विक पैनल, कि ये रिमूव कर देगा क्विक पैनल से टाइम को। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है वो भी इसी से रिलेटेड है। वो कैसा फीचर है आप देखेंगे, फीचर डेट टर्न ऑन ऑफ टाइम रिकॉग्निशन इन क्विक ऐड सपोर्ट लैंग्वेज, मतलब कि कैसे है वो भी बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 10 PM डिनर, मैंने 10 PM डिनर लिखा और मैंने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 10 PM डिनर, मतलब कि उसने टाइम को भी वहाँ पर कैप्चर कर लिया और टाइम सेट भी हो गया और टाइम को कैप्चर भी कर लिया। अगर आप नहीं चाहते कि वो टाइम को कैप्चर करे, वहाँ पर सिर्फ आपका टाइटल आए जो भी आपने लिखा हुआ है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे और उसके बाद यहाँ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप देखेंगे नीचे आपको एक नया ऑप्शन मिला रिमूव टाइम फ्रॉम इवेंट टाइटल्स, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप टाइटल पे वो टाइम नहीं लेने वाला। कैसे, अब मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, जैसे 10 की जगह मैंने अब 9 PM लिख दिया, 9 PM डिनर, ठीक है, ये डिनर लिखा और मैंने यहाँ पर प्लस में क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे वो सिर्फ डिनर के नाम से सेव हुआ, टाइम का तो कैप्चर कर लिया उसने, उस टाइम को उसने सेव कर लिया, बट वहां पर टाइटल पे कुछ नहीं आया। जैसे कि वहां पर टाइटल पे आ रहा था, वहां पर जैसे यहाँ टाइटल पे 10 PM आ रहा था, वहां पर टाइटल नहीं आया, मतलब कि टाइम को डिटेक्ट कर लिया बट टाइटल को उसने हटा दिया। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आपको सिंपल ही टाइम लिख के आप उसको सेट कर लीजिए और वो वहां से टाइम पे शो नहीं करेगा, तो ये फीचर भी बहुत शानदार है। उसके बाद जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है लास्ट वन वाला, बहुत ही कमाल का फीचर है वो है, ये है आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट फीचर दिया गया है ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन ऑफ प्लेस इनपुट थ्रू द एनालिसिस ऑफ प्लेस इन्फॉर्मेशन एंटर इन द टाइटल। अगर आप टाइटल में कोई भी प्लेस का नाम लिखते हैं, उस प्लेस को ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसको आपको मैप में भी दिखा देगा। कैसे, तो वापस इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद मैं यहां पर गया प्लस के आइकन पे और मैंने यहां पर लिखा मूवी इन भोपाल
मूवी इन भोपाल मैंने लिखा। जैसे आप देखेंगे वहां पर एक आपको अलग से पॉपअप से आ गया और क्लिक हो गया, नीचे आएंगे आपको यहाँ भोपाल की लोकेशन दिख जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा बगल में आपको मैप का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मैप में भी हो जाएगा और ये यहाँ पर सेव भी हो जाएगा। मैं आपको उसको यूज करके भी दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर लगा दिया 740 का मैंने यहाँ पर उसको पीएम का मैंने अलार्म भी लगा दिया ताकि फट से अलार्म बज जाए, तो मैं आपको उसका कैप्चर करके बताऊंगा कि एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। तो ये एक चीज तो हो गई, मतलब कि सिंपल आप यहाँ प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाने के बाद जैसे लाइक मैंने यहाँ पर लिखा लंच इन बरेसिया, लंच इन बरेसिया रोड, मतलब मैंने यहीं पर कोई सा भी एक डिटेल डाल दी प्लेस का नाम। जैसे ही प्लेस का नाम लूंगा तो वहां पर आपको दिखा देगा, उस पर क्लिक कर दूंगा वो प्लेस का नाम हो जाएगा और वहां पर आपको दिख जाएगा इस प्लेस का नाम। उस पर क्लिक करेंगे तो मैप भी आ जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक प्लेस का नाम डिटेक्ट कर लेगा ताकि आपको इजिली रिमाइंडर करा सके भैया आपको इस टाइम पर वहां जाना है। तो अभी एक मैंने यहाँ पर रिमाइंडर लगा के रखा है, जैसे ही वो रिमाइंडर बजेगा तो एक पॉपअप सा आएगा, मैं आपको वो पॉपअप दिखाता हूँ कैसा अभी आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा हो क्योंकि अपकमिंग में आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है कैलेंडर मूवी इन भोपाल और लोकेशन भी आ रही है और नीचे आपको ऐसा डायरेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। सेम ऐसा ही आपको पॉपअप आएगा जब बजेगा तो डायरेक्शन का ऑप्शन भी मिल रहा है। जैसे ही आप डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मैप पर ले जाएगा। तो बहुत ही शानदार ये वाला फीचर दे दिया गया है कि आप इजिली कैप्चर कर सके अपने रिमाइंडर को और जहां लोकेशन पर आपको जाना है तो आप जा सके। दोस्तों यही नया अपडेट था और यही नए फीचर थे जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उस वीडियो कुछ कमी तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।